हे गाइस, वेलकम टू हेक्साड्रॉइड। तो आज इस वीडियो में मैं जो अपने फ़ोन में मॉड्स को इंस्टॉल किए हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन मैं अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, उसके बारे में ही मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यानी कि कौन कौन सा मॉड मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है, उसके बारे में पूरे डिटेल्स में आपसे मैं बात करूँगा। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट ए फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है वो है डॉल्बी एटमॉस। तो इस मॉड को इंस्टॉल करने के बाद मेरा जो म्यूज़िक क्वालिटी है वो बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इस मॉड को इंस्टॉल करने के बाद मेरा जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस हुआ है वो बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। और इसका जो बाकी ऑडियो है, यानी कि स्क्रीन लॉक, स्क्रीन ऑन, ये भी बहुत ही लाउड हो चुका है पहले के मुकाबले। और इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपका फ़ोन रूटेड है, और जो मैसिक मॉड्यूल है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, तो इसको ज़रूर इंस्टॉल करिए। तो फ़िलहाल तो ये मेरा कोई कस्टम रोम नहीं है, एक्चुअली मैं जो ग्लोबल बीटा 8.9.13 है उसमें रन कर रहा हूँ, और उसमें ही ये सब मोड मैंने इंस्टॉल किया है। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है वो है मी इमोजी। ये कुछ कुछ आईफोन एक्स का जो इमोजी है उसकी तरफ ही है, यानी कि कुछ कुछ नहीं, एकदम ही वो ही है। आप इसमें अपने जैसे इमोजी को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इमोजी है ये मेरा फेस को डिटेक्ट कर रहा है, और मैं बोल रहा हूँ इसके साथ, ये भी मेरे साथ बोल रहा है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा ये एप्लीकेशन है, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है गूगल कैमरा मोड। तो गूगल कैमरा मोड मस्ट हैव एप्लीकेशन है अगर आप अपने फ़ोन रूट किए हैं और कैमरा टू API को इनेबल किए हैं। तो गूगल कैमरा को अब ज़रूर ऑब्वियसली इसको इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि इससे जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो जाता है आपका, और जो स्टॉक एक्सपीरियंस है उससे भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कैमरा आपको इसमें देखने को मिलेगा। आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा लो लाइट और डे लाइट में भी। तो जो नेक्स्ट मॉड है वो है वेव्स मॉड, जो कि यूट्यूब के लिए आता है। तो यहाँ से आप 4K वीडियो प्ले कर सकते हैं, और वो वीडियो प्ले करने के बाद आप बैकग्राउंड में भी वो वीडियो चला सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो डिटेल्स में बनाया है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, मैं उसका लिंक कार्ड में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से वो देख लीजिए। तो जो लास्ट है वो है गूगल कीबोर्ड का थीम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गूगल कैमरा का थीम्स है ये रेजर कीबोर्ड है, यानी कि जो रेजर फ़ोन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट थीम आता है वो है ये। और इसके अलावा आप बहुत सारे थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो iOS की तरह यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर आप विंडोज़ फ़ोन की तरह आप देख सकते हैं, यहाँ से जो विंडोज़ फ़ोन की तरह वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी तरह से जो विंडोज़ फ़ोन है उसकी तरह ही कीबोर्ड यहाँ से हो जाता है। तो यही जो मोड है वो मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है, और बाकी जो एप्लीकेशन है ये तो सबके फ़ोन में ही होता है। तो ये जो एप्लीकेशन है वो आप इसमें ज़रूर ट्राई कीजिए। और एक बोनस एप्लीकेशन मैं आपको बोल रहा हूँ, वो है GFX टूल, जिससे आप PUBG को बहुत ही हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं। तो उसका वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस YouTube में पहले से ही है, आप जाके वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे बोल रहे हैं मैं भी बना सकता हूँ, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप यू गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड जो मोड्स मैंने आपको बताया है इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ये मोड अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एंड जो MI इमोजी है ये सिर्फ MIUI में काम करता है, तो आप इसको कस्टम रोम में नहीं ट्राई करिएगा तो अच्छा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।